उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक के मतकरपुर गांव में विद्युतीकरण होने के बावजूद भी विद्युत सप्लाई नहीं मिल रही थी, जिससे गांव के प्रेम कुमार सहित 1000 लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अपने समुदाय की इस समस्या पर मैंने एक मुझे वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद वीडियो के माध्यम से मैं समुदाय को संगठित व जागरूक करते हुए इस समस्या पर बदलाव ला पाया। 1997 में बिजली का कनेक्शन हम लोग कराए थे। इसके बाद 2002 तक कटती रही, लाइट आती है जाती है, यही हुआ। फिर 2002 से लगा करके 2012 तक हमारे यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं आई, जिसमें श्री अमर कुमार जी 2005 में हम एप्लीकेशन दिए थे और लाखों रुपए का बिल आ रहा, 95,000 75,000, इसी लोगों का बहुत परेशान है। 2012 के तहत एक महीने दो महीने के लिए लाइट आई थी अखिलेश सिंह के सरकार में, इसके बाद फिर चली गई, फिर नहीं आई, फिर इसके बाद आज तक भी नहीं है। और बिजली बिल आता रहा, 75,000 80,000 90,000, 1,00,000 1,10,000, लोग बहुत परेशान हैं। हमारे गांव में बिजली 15-16 साल से तो नीचे आई ही नहीं है। इसके बाद फिर और इधर उधर हमने कहा, अधिकारियों को हमने अपनी एप्लीकेशन दी, मगर उस पर कोई सुनवाई तो नहीं हुई। फिर इसके बाद हमने आपको मिला, आप हमारे यहाँ आए और आपने देखा, जांचा भला और उस पर एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर हमको दिखाया। फिर उस पर आपने एक प्रार्थना पत्र लिखा और SDO साहब को दिया, वो अपने स्तर से आकर के जांच करके और इस समय बत्ती हमारे गांव में कर दिया, बत्ती आ रही है। और जो पुराना बिल था वो भी हमारा माफ़ हो गया, अब इस समय बत्ती आ रही है। मैं इस संस्था को, आपको, मैं सरकार को मैं बधाई दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही अपने समुदाय की समस्याओं को उठाता रहूँ, उनको संगठित व जागरूक करते हुए उनकी समस्याओं पर बदलाव लाता रहूँ। मैं हरिशंकर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।